कैमूर जिले के अधौरा पुलिस ने कुख्यात नक्सली विकास उराव और बिहारी उराव उर्फ माहिका उराव को झड़प गांव से गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर बिहार और यूपी के कई थानों में 14 मामले दर्ज हैं। 11 सितंबर को अधौरा प्रखंड मुख्यालय के पास कैमूर मुक्ति मोर्चा संघ द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए प्रखंड कार्यालय, पुलिस स्टेशन और वन विभाग में जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी किया था, जिससे कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुख्यात नक्सली विकास पत्थरबाजी करते हुए दिख रहा था। पुलिस ने वीडियो को आधार पर कुख्यात नक्सली को झड़प गांव से गिरफ्तार कर लिया। सिटी न्यूज कैमूर से रामजी गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ सर, विधानसभा चुनाव को लेकर के अभियुक्तों फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और नक्सलियों की गिरफ्तारी और अवैध शराब इत्यादि की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चल रहा है। अभी जिले को 5 कंपनियां मिली हैं सीएफ की। उसी क्रम में कल अधौरा थाना क्षेत्र में छापामारी के क्रम में एक विकास उराव और बिहारी राव और मेहका उराव की गिरफ्तारी हुई है। इस पर पूर्व में ये 14 कांडों में आरोपित रहा है, जिसमें कई नक्सली कांड भी हैं। अभी हाल के दिनों में एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस पर अटैक किया गया था, जिसमें वन विभाग के और पुलिस के 10 जवान घायल हुए थे और कई वन विभाग के कार्यालय में काफ़ी तोड़फोड़ की गई थी। उस केस में भी ये वांटेड था और इस पर पत्थर चलाते हुए इसकी वीडियो भी है और इसी क्रम में पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई। इस पर यूपी बिहार में दोनों जगह कई कारणों में ये वांछित मतलब आरोपित रहा है। कई थानों में पहले का जो मेवालाल खरवार था उसके गिरोह का सक्रिय सदस्य था। सर कैसे नक्सली बना, पूछताछ में क्या बता रहा है सर? ये अपना प्ली ले रहा है कि मेवालाल खरवार के संपर्क में आने पर नक्सली बना। अभी हम लोग इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, अपराधी की जांच रिकॉर्ड छापे की जा रही है। इसके साथ और कितने नक्सली है जिसको पुलिस ढूंढ रही है? और जो भी फरारी है उनके ऊपर हम लोग ढूंढने घर का मामला, जमीन का लड़ाई था और हमको वो आए और बताए कि ऐसे ऐसा मामला है। कौन है, कहाँ बताए थे? मेवालाल से, पार्टी से। मेवालाल क्या थे? कमांडर था, नक्सली कमांडर जी। हाँ, उनसे बताए कि हमारा ये जमीन का मामला है और थाने पर गए और थाना पर गिरफ्तार किए, केस किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ और ना ही सुनवाई होने के बाद में हम चले गए पार्टी में। पार्टी में गाने जाने के बाद थोड़ा सा जमीन का मामला था, वो गए हमारा जमीन जो है कि छोड़ दी। मतलब पुलिस सहयोग नहीं किया था, तुम नक्सली बन गए, क्या कहना चाहते हो बोलो? सर यही, जब हम गए पुलिस पर अपना रिपोर्ट लेकर थाने पर केस लिखाया और हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, और बाद हम नस्लाइट में चले गए। बता हुआ था सर उस दिन हम इधर थे और लास्ट में हम जब हल्ला होने लगा तो पूरा जमाट उठ के जाने लगा तो हम उसके साथ में चले गए। तो पत्थरबाजी भी कर रहे थे? पत्थर तो नहीं चलाते सर, इसे चिल्ला चिल्ला के ऐसे आँख उठा के हम बचा रहे थे सर। एसपी साहब के उसमें और भी नक्सली थे? नहीं सर, कोई नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा? बिहारी उराव और विकास उराव। आपके बक्सर शहर में खुल गया जावेद हबीब हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटिशियन के साथ ब्यूटी पार्लर आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। जावेद हबीब संजय सवरने का शादी विवाह, तिलक उत्सव, जन्म उत्सव, दूल्हा दुल्हन को सजाने के लिए एवं घरेलू छोटे बड़े पार्टियों में हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है। हेयर कटिंग से लेकर मेकअप तक आपको सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एक बार आवश्यक हमें सेवा का मौका प्रदान करें। हमारा पता है पीपी रोड रेमंड शोरूम के ऊपर, मोबाइल नंबर 7007641694, दूसरा नंबर 9519600007।